कोटेशन एकेडमी, और साइंस के अपकमिंग एग्जाम के लिए मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आएं, और मार्क्स अच्छे आने के सिर्फ एक ही उपाय नहीं होते कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इसके अंदर कई सारी चीजों का एक मिक्सचर होता है, जैसे आपको अपना टैलेंट तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका नॉलेज तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपका पेशेंस, आपके सोल्व करने का तरीका, आपके एग्जाम में लिखने का तरीका और फियरलेसनेस, डरना मना है। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठ ही गए, एग्जाम स्टार्ट हो ही गया, तो भाई वहां तो कोई बताने आ नहीं रहा, तो डरना किससे है? जो हमें आता है वो लिखेंगे। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताता हूं कि आप सिर्फ एक काम करें, अभी जो प्रैक्टिस टाइम है आप टॉपिक्स तो रिवाइज कर ही रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप डेली वाइज मिनिमम एक सैंपल पेपर, आपको नेट पे कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ऐरा गैरा नहीं, जो रिलायबल सोर्स हो वहां से आप सोल्व करें। आप देखेंगे कि आप में फियर तो एग्जाम का बिल्कुल रहेगा ही नहीं। और मैं अगर कोई बात कहता हूं, तो जब प्रैक्टिकली मैं वो चीज करता हूं, देखता हूं, तभी कोई बात करता, अदरवाइज मैं किसी बात को ओके नहीं करता। तो इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको साइंस के हर टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन, फुल तो मतलब फुल कहने का मतलब एक रिवीजन, ओवरऑल रिवीजन मैं थोड़ा सा आपको देता हूं, क्या करना है, कौन से टॉपिक करने हैं आपको। मार्क्स के ब्लूप्रिंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिया है, आज भी मैंने ब्लूप्रिंट के बारे में बात करी है, और आज मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स कुछ कंसंट्रेट करवाना चाहता हूँ। पढ़ाने का तो खैर अभी अब समय है नहीं, रिवीजन का समय है, तो पॉइंट कंसंट्रेट हो जाए ताकि आपके माइंड में वो रिवाइंड हो जाए। मैं आता हूं अपने पीडीएफ पे, और बिल्कुल पेशेंसली अगर आप बीच में इसको क्विट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूं मैं, शायद आप लोगों की दुआ है कि अब थोड़ा रिकवर है मेरा गला थोड़ा, लेकिन अब मैं अपने ट्रैक पे आ सकता हूँ। बीच में बोलने में काफी परेशानी हो रही थी, खैर थैंक गॉड। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की, चैप्टर वन की, और इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या कंप्लीट करके रखना है, जो मिनिमम मटेरियल्स मैं आपको बता रहा हूँ, और इन चीजों को आप नोट करके और बार बार रिवाइज भी कर लेंगे। आई श्योर जब आप एग्जाम देंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर ने जो दिया था, जो बताया था, वो रिलेबल हो गया था। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिए, आपके सामने जो लिखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस सारे रिएक्शन आपने पढ़े हैं, लेकिन आपको इसके एग्जाम्पल भी करने हैं।
एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि ये शॉर्ट बनाया हुआ है, तो एग्जाम्पल सबके करने हैं। मैं आज दिन में भी आपको बता रहा था कि सैंपल दे देगा आपको, जैसे ए प्लस बी गोज टू सी, ए और बी रिएक्टेंट हो गए, सी आपका प्रोडक्ट हो गया। अब आपको कहेगा बताओ भाई कौन सा रिएक्शन है ये और इसका एक एग्जाम्पल दो। तो ऑब्वियसली ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और फिर इसका डेफिनेशन एग्जाम्पल जो भी पूछे वो आपको देने होंगे। अब इसी में एक और क्वेश्चन की बात मैं आपको करता हूँ, वो है रिडॉक्स रिएक्शन की। पीछे मैंने कई बार आपसे बात की है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। लेकिन ऑक्सीडेशन करने के लिए यानी ऑक्सीजन को ऐड होने के लिए या हाइड्रोजन को रिमूव होने के लिए जो हेल्प करता है उसे हम एजेंट कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सर्च करने के लिए पूछा जा सकता है, जिस पे आपको कंसंट्रेट करना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ एक क्वेश्चन की, जैसे हम कैसे मानते हैं कि कोई प्रोसेस फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। भाई फिजिकल चेंज में जब कोई चेंजेज हो जाते हैं तो वो वापिस अपने रिएक्टेंट के फॉर्म में वो आ सकते हैं सिंपल मीन्स से, लेकिन जब केमिकल चेंजेज हो जाते हैं तो वो अपने प्योर फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे आप जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन अगर रस्ट हो जाए तो वापिस हम उससे आयरन गेन नहीं कर सकते। थॉइंग ऑफ मिल्क इन समर, समर में इकट्ठा हो जाए या कोक बर्न हो जाए, ये सारे केमिकल चेंज में काउंट होते हैं। अब अगर हम देखें भाई कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई अमुक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। तो अगर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है केमिकल रिएक्शन है, अगर कोई गैस इवॉल्व होता है आफ्टर रिएक्शन तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है, अगर कलर चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन है, स्टेट चेंज होता है, स्टेट समझते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट आपके पास सॉलिड था वो लिक्विड या गैस में बदल गया इसका मतलब कि वो केमिकल प्रोसेस है, या टेम्परेचर में चेंज है, टेम्परेचर में चेंज के आधार पे मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक्स मतलब आउट होता है, अगर हीट आउट हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक है, अगर हीट इन हो रहा है, हीट हमें देना पड़ रहा है, वो एंडोथर्मिक है। आप रिएक्शन के नेचर के ऊपर इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच इज एक्सोथर्मिक एंड विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर हम यहां से आगे देखें तो एग्जाम्पल की बात मैंने कही थी, इस टाइप से देखो पूछे जाते हैं कि ए बी है, ए बी ब्रेक हो गया ए और बी में, तो भाई जब ब्रेक हो गया यानी डिकम्पोज हो गया तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आपसे इसका एक पूछ देगा कि भाई एग्जाम्पल दे दो आप, तो आप एग्जाम्पल दे ही देंगे कोई ना कोई, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो है वो ब्रेक होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब डिकम्पोजिशन के टाइप्स होते हैं, वैसे डीपली इतना नहीं जाते हम, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये सारे होते हैं। अब ऐसे ही देखो डिस्प्लेसमेंट ए प्लस बी सी रिएक्टेंट है, अब यहाँ पे क्या हुआ सी आ गया ए के पास यानी कि B को छोड़ के A के पास आ गया, इसने अपनी एक जगह डिस्प्लेस करी है तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी में आप देखो अगर दोनों ने अपनी जगह डिस्प्लेस कर दी है तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट इनकी बात मैंने आपको अभी कर ली है, लेकिन आप इसके एग्जाम्पल पे आप कंसंट्रेट
करेंगे। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, अगर वो रिलेवल है, केस स्टडी वगैरह मैंने सारा आपको बताया है कि कौन से चैप्टर से आने हैं, और आप उन्हीं चैप्टर की स्टडी ज्यादा से ज्यादा करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफाइन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन तो समझ ही रहे हैं कि कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेना, और जहाँ हीट है हमें निकलता है, प्रोडक्ट में मिलता है, उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो आप इसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं और तैयारी इसकी कर सकते हैं। अब मुझे इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता, आप इसे रिएक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। अब हम आ जाते हैं एसिड बेस और शॉन पे। तो एक दो बातें पहले देख लें जो ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिल सकते हैं, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड में क्या होता है साहब, हाइड्रोजन आयन होता है। बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन ब्रेक होने के बाद हमें मिलता है। जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, इधर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा हो या हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा हो, जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए उसे हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। जो कंप्लीटली ब्रेक ना हो वो वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे H2SO4, HCl, ये सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ये कंप्लीटली ब्रेक होता है। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात की। अब ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, लिटमस किस काम आता है, इंडिकेटर होता है। गाड़ियों में भी इंडिकेटर होता है ना, जब इंडिकेटर हम जलाते हैं तो पीछे आने वाले लोगों को या किसी को भी हम ये बताते हैं कि हम लेफ्ट जाने वाले हैं या राइट जाने वाले हैं। तो इसी तरह से जो लिटमस है ये किसके काम आता है, ये इंडिकेटर होता है, ये इसी सब्सटेंस को बताता है कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, यानी कि शॉर्ट है। तो एसिड बेस के बारे में पता लगाने के लिए एक एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि जैसे फेनोफ्थलीन है, कलरलेस ऑर्गेनिक डाई होता है इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम, बट इट चेंज टू पिंक इन बेसिक मीडियम, है ना। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, ये ऑरेंज कलर्ड होता है डाई, कीप्स दिस कलर इन द न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक मीडियम में कलर ऑफ द इंडिकेटर बिकम्स रेड, एंड बेसिक मीडियम में ये पीले कलर का हो जाता है। एक एक बात आपको नोट करके और अच्छे से समझना है। ऐसे ही एक रेड कैबेज जूस है, नेचुरल इंडिकेटर है ये, क्योंकि नेचर में रेड कैबेज पाया जाता है। कलर होता है रिमेन्स रेड इन एसिडिक, बट चेंज टू ग्रीन इन बेसिक और अल्कालाइन मीडियम। इसी तरह से हल्दी का टर्मरिक सॉल्यूशन आप देखे हैं, जानते हैं, एलोडाइड होता है इन द एसिडिक एज वेल एज इन न्यूट्रल, इट्स कलर रिमेन सेम, बट इन बेसिक मीडियम चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें उसके स्मेल से पता लगता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। एग्जाम्पल के लिए आप ओनियन, वैनिला या क्लोव ऑयल लिख सकते हैं, लिखेंगे ही। बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपसे कर रहा हूँ, आप डिवोशन को समझ सकते हैं कि मैं अगर वीडियो मुझे देना था या पढ़ाना था तो मैं बाद में भी कर सकता था जब मैं प्योर अच्छी तरह से क्योर हो जाता, लेकिन नहीं, मुझे आपकी चिंता है। और मैं तो इस चीज से चिंतित था कि अब साइंस का एग्जाम है और इस टाइम में भगवान ने मेरे गला का सत्यानाश कर रखा है। तो हम आगे आते हैं और बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। नाम से ही पता लग रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर,
यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो हर किसी में काम आए। पता है एक बार क्या हो, एक बार बेचारे एक आदमी के अनफॉर्चुनेटली फादर की डेथ हो गई, तो पूरे गांव वाले आ गए कहने कि अरे भाई क्या बात है, कोई बात नहीं, हम भी तो तुम्हारे पापा के समान है। कुछ दिनों बाद बेचारे की मदर की डेथ हुई, फिर वो भी आ गए कि सारे लेडीज आ गई कि भाई क्या हो गया, हम तो तुम्हारी मम्मी के ही समान है। तो इस तरह से लोग जब भी होता ही है। अब एक बार बेचारे की वाइफ की डेथ हो गई, ओ कोई नहीं आया कहने, है ना, बहुत बुरा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स विच शोज अ ग्रेजुअल बट वेल मार्क्ड सीरीज ऑफ कलर चेंज। धीरे धीरे वो कलर चेंज करते हैं और तब वो ये भी बता देते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। देखो अभी तक जो इंडिकेटर आपने देखा उसमें कोई एसिडिक की बात बताता था, कोई बेसिक की बात बताता था, ये सब की बात बताता है। तो इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। वैसे तो बोल देता हूं मैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि अगर पीएच लेस देन 7 हो, 7 से कम हो, 0 से 14 तक वैल्यू होती है, तो अगर 7 से कम हो तो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा हो बेसिक होता है, और एग्जैक्टली अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। अब इसमें देखिए आपने देखा भी होगा कुछ रिएक्शंस हैं। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कल मैं करवा रहा था आपको, फर्स्ट ही क्वेश्चन 21st क्वेश्चन, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इन बातों का कि अगर एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो मेटल जो कार्बोनेट होते हैं जब एसिड के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं जब वो एसिड से मिलते हैं तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही होता है, एसिड और बेस मिल गए तो सॉल्ट बना लिया, वाटर बना लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, न्यूट्रल हो गया, उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब कुछ बातें जरा इसको ध्यान से देख ले इस टेबल को, और आपके पास अगर कॉपी है होना ही चाहिए, स्टूडेंट हैं आप, तो इसको नोट भी कर लें कि जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या इसका फॉर्मूला होता है, कैसे प्रिपरेशन होता है, क्या इसका यूज होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप अच्छे से देखेंगे। एक बात मैं इसमें बता दूं आपको कि जैसे यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ एच टू ओ लिखा हुआ है, तो ये जो हाफ एच टू ओ है, यहाँ हाफ एच टू ओ है, यहाँ टू एच टू ओ है, तो इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट दो तरह के होते हैं, एक एनहाइड्रस होता है और एक हाइड्रेटेड होता है। जो हाइड्रेटेड होता है उसमें 5H2O ऐड होते हैं और उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ऐसे एक फेरस सल्फेट होता है, उसमें 7H2O ऐड होता है, एक ब्लू विट्रोल होता है, एक ग्रीन विट्रोल होता है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट भी हमको ध्यान में रखना है। अब देखें भाई कि पीएच स्केल का एवरीडे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। जब मैं आपको अगले दिन एमटीजी की बात करूंगा, पिछले आए सारे क्वेश्चन की बात करूंगा, तो उसमें आप देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। और एसिड रेन के बारे में जानते हैं हम कि जब रेन वाटर बारिश होती है
और उसकी पीएच वैल्यू 5 और 6 के बीच में रहे, 5 6 रहे, तो यानी एसिडिक हो गया। और इसी कारण आप देखते हैं जो ताजमहल वगैरह है वहां पे उसका कलर, जो बम ने तो देखा नहीं, पता नहीं किसने देखा, जब शाहजहां ने बनवाया था या नहीं आई डोंट नो, तो जब बनवाया गया था तो शायद बहुत चमकीला था, आज उसका कलर जो है बिल्कुल फेड हो गया, तो वो एसिडेंट के कारण ही हो रहा है। आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में एचसीएल का बड़ा रोल है, जब तक एसिडिक मीडियम नहीं मिलता तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होते, और एसिडिक मीडियम यानी कि पीएच की वैल्यू 7 से कम, तो ये भी एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल है। कई बार आप देखते हैं एंटासिड, इनो, इन सब का यूज किया जाता है, क्योंकि पहले ही बोला हूँ अति सर्वत्र बाजार रेत, अगर कम मात्रा में यानी एक डिफिनेट प्रोपोर्शन में है कोई तो हमारे लिए फायदेमंद है, अगर ज्यादा अमाउंट में मिल गया तो फिर हमारे लिए नुकसान हो जाता है। तो अगर कई बार हम घर में देखते हैं ना, सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ऐसा करो कुछ खा के जाओ, हम कहते हैं नहीं, उठे ही देर है भाई, उठते ही स्कूल के टाइम में खा के क्या जाना है, बैग उठाया और सीधा गोली। अब जब आप स्टॉमक को कोई काम नहीं दोगे, एचसीएल उसमें वैसे ही इकट्ठा होता रहेगा और वो धीरे धीरे गैस बनेगा ही, तो जब गैस बनेगा तो क्या करेगा, आपके सर को घुमाएगा, सर दर्द करेगा, पेट दर्द करेगा, और फिर कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि असेंबली टाइम में शक्तिमान होकर के और बच्चे यूं गोल गोल नाच के गिर जाते हैं, तो वहां एसिड की फॉर्मेशन जो हमने यूज नहीं किया तो वो हमारे लिए नुकसान कर जाता है, और तब हमें इनो या एंटेसिड का यूज करना पड़ता है, इनो ऑन एंड एसिडिटी गॉन, क्योंकि वो फिर उसको न्यूट्रल बना देता है, क्योंकि इनो बेस होता है। ओके, अब इसी तरह पीएच टूथ डीके के लिए अगर ये लिखा है, ये पॉइंट याद रखना, 1 मार्क्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाती है तो हमारा जो टूथ है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ तक एसिड की बात है, आप देखते हैं बी स्टिंग वगैरह जो होते हैं, जो कि अपने रक्षा के लिए होते हैं, और फिर भी ये जब डंक लगाते हैं तो उसमें एसिड होता है जो हमारे शरीर में आके, या जिसको भी डंक लगाता है वो, तो उसे दर्द देता है, पेन देता है, एक्चुअली वो सेल्फ डिफेंस में सारा काम करता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक साधु बाबा नदी में स्नान कर रहे थे और वहीं पे एक बिच्छू स्कॉर्पियन डूब रहा था, उस साधु बाबा ने क्या किया, उस बिच्छू को अपने हाथ में उठाया और बचाने की कोशिश की, जैसे ही उठाया वैसे ही डंक मारा फिर बिच्छू ने और उनका हाथ हिला डोला, फिर वो बिच्छू पानी में, वापिस उठाया फिर डंक मारा फिर पानी में, वो जितनी बार डंक मारे ये उठाए, तो एक बंदा वहां पे देख रहा था कि हो क्या रहा, तो पूछा साधु बाबा ये आपके साथ तो बदतमीजी कर रहा है, डंक मार रहा है और आप फिर भी बचा रहे हो। साधु बाबा ने क्या कहा कि भाई मेरा कर्तव्य है कि हम इसे बचाएं, उसका कर्तव्य है कि सेल्फ डिफेंस में वो हमें नुकसान यानी कि डंक मारे, तो ठीक है वो अपना कर्तव्य कर रहा है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इससे हमें जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई क्या कर रहा है लेकिन हम अपने कर्तव्य को हमेशा करते रहें। ऐसे ही हम देखें तो ह्यूमन ब्लड का जो 7.3 से 7.5 के बीच में पीएच वैल्यू होती है, तो हमने देखा बेटा ग्रोथ ऑफ प्लांट में भी, कई बार मैंने क्लास में आपको बताया है कि गांव वगैरह में भी अब किसान मित्र होते हैं जिनके पास आप जाएंगे, अपने जो फार्मर है वो अपने खेत की मिट्टियों को लेके जाते हैं, वो टेस्ट करके बता देता है कि ये एसिडिक ज्यादा है या बेसिक ज्यादा है, आपको इसमें कौन सा
क्रॉप्स बोना चाहिए, कौन सी दवाई का यूज करना चाहिए वो बता देता है। तो ये सारे पीएच के कमाल है। तो इसके मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको समझाए हैं, नोट्स बनाएंगे। एक और मैं केमिस्ट्री का चैप्टर में कंप्लीट करता हूँ, और वो है कौन सा, मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए मेटल एंड नॉन मेटल भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्किंग आपको दे रखा है मैंने। और प्रॉपर्टी ये आप बचपन से पढ़ते आए हो कि मेटल नॉन मेटल में क्या प्रॉपर्टी होती है। मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, नॉन मेटल जो है वो लिक्विड या गैस, एक्सेप्शन भी है सॉलिड भी हो सकता है। प्लस स्ट्रेस, जो मेटल है चमकीला ज्यादा होता है, नॉन मेटल चमकीला नहीं होते। मेटल ज्यादा हार्ड होता है और नॉन मेटल ज्यादा हार्ड नहीं होते, क्योंकि उसके पार्टिकल जो है वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते हैं। इसी तरह से मेटल नॉन मेटल में सोनोरिटी है। सोनोरिटी क्या होती है, सोनोरस, सोनोरस क्या होते हैं, जिससे एक अलग आवाज आती हो। आप देखते हैं मंदिरों में जो घंटे होते हैं, स्कूल में जो रिंग बेल होते हैं, अब तो खैर सारा इलेक्ट्रिक हो गया, तो वो जो बने होते हैं ब्रास के, तो उनका एक अलग आवाज होता है, वो दूर तक आवाज जाती है। उसी की जगह आप किसी एल्यूमिनियम को लगा दो, उसके आवाज में अलग अलग बात आएगी। जो आयरन लगा दो, उसकी आवाज में अलग बात आएगी। तो सबकी अपनी अपनी साउंड है, लेकिन नॉन मेटल का कोई साउंड नहीं है, सबका इस मालिक एक है, सब एक ही तरह बोलते हैं। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी क्या होते हैं कि जिसको हम बीट ईट करके और थिन सीट में कन्वर्ट करते हैं। मेटल को कर सकते हैं बट नॉन मेटल को नहीं कर सकते। डक्टिलिटी, जिससे वायर निकाला जाता है, और मेटल से वायर निकालते हैं और दूसरे से नहीं निकालते हैं, है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टी भी देख ले, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। लेकिन दोनों का नेचर अलग है, मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड करते हैं, और जबकि नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड भी बन सकता है, हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि वो वाटर कैसा है। नॉन मेटल सॉरी मेटल अगर वाटर स्टीम के रूप में है तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, कोल्ड वाटर है तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। नॉन मेटल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, एसिड को डाइल्यूट करना है तो वाटर ऐड करना पड़ता है, उसमें दूसरे सब्सटेंस ऐड करने पड़ते हैं। क्लोरीनेशन भी वही होता है, मेटल में अगर क्लोरीन ऐड हो गया मेटल क्लोराइड बन गया, और नॉन मेटल में जब ऐड होता है तो नॉन मेटल क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, और वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज की। देखिए जब आप डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट इस टाइप के जब क्वेश्चंस करेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज का माइंड में बैठना जरूरी है। तो इन रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। आपको मालूम है कि जिसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं वो नोबल गैस हो जाते हैं, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनन, इन सबके 2 और 8 लास्ट में कंप्लीट हैं, इस वजह से ये इनर्ट गैस कहलाते हैं, आइडियल गैस कहलाते हैं, ये किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब यहाँ से बात चेंज होती है किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना बेटा, यहाँ सोडियम क्लोराइड का ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे बना रखा है, देखो सोडियम है, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 281, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फालतू है इसके पास। क्लोरीन की बात देखें तो 17 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे,
तो वो इससे ये ले सकता है। तो अब आप देखो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, जो सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो गया क्लोरीन में, क्लोरीन के 8 पूरे हो गए, सोडियम के भी 8 पूरे हो गए, और इस तरह से दोनों कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी तरह से MgO2, MgCl2, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आप जितना हो सकता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओर्स, ओर्स क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस जो धरती के नीचे, अर्थ के नीचे पाए जाते हैं, ओर्स कहलाते हैं, और उनको प्योर करके, जो हम सब्सटेंस गेन करते हैं वो मेटल होता है। जो उसमें इम्प्योरिटीज बची होती हैं वो हमारा गैंग पार्टिकल होता है। क्लियर है? अब ये देख लेना आप कि मेटल कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे। और मेटल का जब एक्सट्रैक्शन होता है तो दो बातें होती हैं, देखना आप ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है कि मेटल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट, एक मोस्ट रिएक्टिव, एक मीडियम रिएक्टिव, एक कम रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कोर। अब कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले तो कंसेंट्रेशन किया जाता है, इनरिच ऑफ ओर्स, कंसेंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी कि उसमें इंप्योरिटी जितनी है उसको हाइड्रोलिक वॉशिंग वगैरह से करके और खत्म कर दो, प्योर रहे। फिर दूसरा स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड इंटू क्रूड मेटल, उसके बाद उसको मेटल में फिर रिफाइन करते हैं। 3 स्टेप में इसको कम से कम हम पूरा करते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, और बात हो रही है किसकी? Hg की, RR की। तो Hg जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है HgS, तो देखो HgO की फॉर्मेशन और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये ब्रेक होकर के वापस में मरकरी और किसकी किसकी है, ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति करता है। अब इसमें दो प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कल भी मैंने आपसे बात की थी, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होते हैं? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, एक्सेस ऑफ एयर है, तो वहां पे सल्फाइड ओर के लिए ही रोस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। और कैल्सिनेशन क्या होता है? कार्बोनेट ओर आर्चर इनटू ऑक्साइड बाय बीटिंग, सॉरी, हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर, या बिल्कुल जहां एयर नहीं हो वहां पे जब हम हीट करते हैं तो वहां पे जिसकी फॉर्मेशन होती है कैल्सियम, कैल्सिनेशन। इन दोनों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जहां तक बात है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम को देखें, टैंक है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है पूरा भरा हुआ, ऊपर नेगेटिव है इधर, सॉरी ऊपर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, और कैथोड और एनोड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। जब हम की देते हैं तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? कॉपर और सल्फेट बनाएगा। तो ये देखो Cu2+ दूसरी साइड में आकर के क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, है ना, एरो का साइन बना हुआ, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो और जो बच गया वो हमारा एनोड मड कहलाता है, इम्प्योरिटीज होती है, तो कॉपर का इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है। अब रही बात कोरोजन की, रस्टिंग की, तो किसी भी ईटिंग अवे ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। अगर हम किसी मेटल को खाते हुए तो हम थोड़े ना खाएंगे, उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके कारण कि वो धीरे धीरे फेड हो जाते हैं, और उसे कोरोजन को फेड
हर एक जो मेटल होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसके लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग नहीं कोरोजन कहते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक आयरन की बात हो जाए, लोहे की बात हो जाए कि उसमें कोरोजन, तो उसका नाम रस्टिंग हो जाए। तो ये बातें थोड़ी आपको रखनी। अब कैसे, एक बात और देख लेते हैं कि किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो भाई गैल्वेनाइजेशन कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, पेंटिंग एंड क्राफ्ट कर दें, तो इससे क्या होगा कि आपका मेटल जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो प्रोटेक्ट हो पाएगा। अब देखो आ जाते हैं ऑप्शन आंसर पे। वैसे क्वेश्चन आंसर तो मैं अगले दिन डील करूंगा आपको, अभी तो मैं चैप्टर का रिवीजन देख रहा हूँ, जल्दी से जल्दी एक रिवीजन हो जाए। तो कई सारी चीजें आप मेरे से सुनते हैं भूल जाते हैं, आप भी हवा हवाई सपने में सारी बात करते हैं, है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन है बेटा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वाई? क्योंकि वो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा, भाई वो ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा तो वो अपना ऑक्सीजन किसी को दे देता है। ऐसे ही देखो, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक और नॉट स्टील। तो अब दोनों का जो नेचर है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, लेकिन जो दूसरे होते हैं आयरन रिएक्ट विद स्टीम। इफ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील देन आयरन वुड रिएक्ट विद स्टील। तो ये आप देख रहे हैं क्या कि रीजनेबल क्वेश्चन भी इससे आते हैं, तो उनको बड़े अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड जिंक सल्फाइड इज हीटेड इन एयर। दो बातें इसमें पूछी गई है। तो अब इसमें देखो, रिएक्शन ही दिखाना है, रिएक्शन दिखा गया जो इवैल्यूएट हो रहा है, डल जाएगी। तो बेटा इस तरह से आपको ये सारी छोटे छोटे टॉपिक्स, मैंने अभी आपको 3 चैप्टर के रिवीजन करवाए हैं, और अब मैं अगले दिन फिर आपको करवाऊंगा बाकी चैप्टर के रिवीजन। और कोशिश मेरी ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स लाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जितने क्वेश्चन करेंगे आप में एक बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आने वाला है, और फिर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो इस 3 चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, और जो जो टॉपिक्स मैंने वैसे कहे हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन पे फिर मैं आऊंगा ही, क्वेश्चन में बता ही रहूंगा आपको, है ना। तो अभी तो मैं क्या ही बोलूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे 10th के बच्चे हैं, जैसे मैं अपने आसपास गवर्नमेंट स्कूल की बात करता हूँ, कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कितने सेक्शन हैं उसमें, और जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ट्यूशन वगैरह का सहारा ले सके, तो आप उनको रिकमेंड कीजिए। मैंने पहले ही कहा कि भाई अर्थ युग तो है, पैसे की तो रिक्वायरमेंट बिल्कुल है, सबको है, लेकिन साथ के साथ हम समाज को नहीं भूल सकते, हम अपने भाई बंधुओं को नहीं भूल सकते। उनके लिए जो हमें, जो हम कर सकते हैं वो हम क्यों ना करें। तो जिनको भी आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा हो जो कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं गया हो, कुछ नहीं किया हो, तो उसे आप रिकमेंड करें, वो देखें, और फिर उनसे भी कहें कि भाई कोई क्वेरी है तो आप एकदम सर से पूछो उस चैनल से, ठीक है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय, आप अच्छे से करें प्रैक्टिस, और इस 3 चैप्टर को तो बिल्कुल अच्छे से कर लें। एक सैंपल पेपर जरूर आप डेली वाइज प्रैक्टिस करें, ठीक है। इंग्लिश की तरह साइंस भी आपको आसान नजर आएगा, ये हमारा आशीर्वाद है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, कल मिलेंगे, फिर हम दिन में भी मिलेंगे, शाम में भी मिलेंगे, बस आप रेडी रहना, और हम आएंगे आपके लिए अच्छे टॉपिक्स को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।